द ग्रास लैंड फर्स्ट द कॉन्टेंट्स प्लांट लाइफ इन ग्रास लैंड्स एनिमल लाइफ इन ग्रास लैंड्स लोकेशन ऑफ ग्रास लैंड इन द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द ग्रास लैंड्समेंट सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्लान लाइफ इन द ग्रास लैंड्स सो ग्रास लैंड्स के अगर हम देखें इस बायोम का नेम जो इंडिकेट कर रहे हैं इट इस द ग्रास लैंड्स मीन्स द डोमिनेटिंग प्लाट्स आर द ग्रासिसज सो हम कह सकते हैं कि द ग्रास लैंड एक्चुअली दे आर डोमिनेटेड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस जो है वो ग्रास लैंड के अंदर मौजूद हैं एंड नॉर्मली दे मेक द लेयरिंग अच्छा ग्रासेज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेज होती हैं कुछ ग्रासेज होती हैं बहुत टॉल ग्रासेज होती हैं कुछ होती हैं वो उससे लेस हाइट की हैं कुछ उससे कम और कुछ होती हैं बिल्कुल जो है वो लो हाइट की होती हैं तो मीन दे आर थ्री आर फोर लेयरिंग लेयर्स ऑफ द ग्रासेज आर देयर सो ग्रासेस ग्रास लैंड ग्रास जो वो, है वो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं सो तो नॉर्मली द प्लांट्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस अच्छा लार्ज ट्रीज जो हैं दे आर मिसिंग इन द प्रेरीज प्रेरीज के अंदर यानी नॉर्थ अमेरिकन और जो एशिया के कुछ जो यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं यूरोप और एशिया के कुछ ग्रास लैंड जो हैं दे आर हैविंग नो प्लांट लाइफ उनके अंदर ऑलमोस्ट जो है प्लाट no लाइफ नहीं है ट्रीज सारी दे आर हैविंग नो ट्रीज तो उनके अंदर ट्रीज नहीं है जिसकी वजह से हम उसको जो प्रेरीज का नाम देते हैं यानी कि स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन ग्रास लैंडस को जबकि जो साउथ अमेरिकन और जो अफ्रीका के अंदर ग्रास लैंडस हैं दे आर कॉल्ड एज द सवाना या इसको सामटाइम हम ट्रॉपिकल सवाना कहते हैं ट्रॉपिकल मीन दे आर हैविंग अ रेनी सीज़न मॉडर्न इन्वायरमेंट है रेनी सीजन है जिसकी वजह से कुछ जो है वो उनको जो है वो कुछ प्लांट्स जो लार्ज ट्रीज जो है वो वहाँ ग्रो कर जाते हैं अच्छा अगर हम थोड़ा सा को, इसका कोई इम्पैक्ट भी है ट्रीज़ का ग्रास लैंड के अंदर ना होने की दो वजूहत हो, होती हैं एक तो ये है कि जो ग्रास लैंडस हैं उनके अंदर प्रसिप्टेशन रेट कम है रेस्परेशन रेट कम है यानी रेन रेनफॉल कम है तो रेनफॉल की वजह से जो ग्रासेज हैं दे आर एबल टू ग्रो देअर दूसरा अगर प्लांट जो हैं वो उसमें से ग्रो करने की कोशिश भी करते हैं तो ग्रास लैंडस के अंदर फ्रिक्वेंट जो फायरिंग फायर होती है तो जैसे ही फायर सेट ऑफ होगी आग लगेगी तो उससे क्या होगा कि जितने भी जो प्लांट्स यानी जो ट्रीज़ हैं जो अभी प्लांट लेवल के ऊपर हैं वो क्या करेंगे सारे के साथ जो एक्सचिंग्विश हो जाएंगे उसको जल जाएंगे जिसकी वजह से जो है वो ग्रास लैंडस के अंदर हमें मेनली यानी फायर और लो प्रेसिपटेशन रोड रेनफॉल की वजह से वहाँ में ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो नहीं मिलते हैं सो अफ्रीकन सवाना के अंदर या फिर साउथ अमेरिकन अमेरिकन जो सवार है उसके अंदर है, ट्रीज मौजूद हैं स्केटर्ड फार्म में हैं ऑलमोस्ट जब थर्टी परसेंट लेस देन थर्टी थर्टी परसेंट जब वो ट्रीज़ मौजूद होते हैं सो so, अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस हैं जो कि इसमें मौजूद हैं उसमें कुछ ऐसे हमारे पास हैं जो कि ग्रास लाइक -like प्लांट्स हैं जैसे वीट है बॉर्ले है जो है सेल्विया है दैन द कॉर्न फ्लावर्स हैं और साम टिपिकल ग्रासेस है हमारे पास जो टिपिकल ग्रासेस हमारे पास जैसे नीडल ग्रासेस हैं दैन द वाइल्ड ओट्स हैं दैन द टेल फॉक्स हैं ड्राई grasses है और इसके अलावा buffalo ग्रासेस जो है वो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस प्रेजेंट इन द ग्रास लैंडस एनिमल लाइफ ग्रास लैंड के अंदर चूंकि मेनली द ग्रासेज आर देयर तो हरबी वोर्स जो हैं दे आर अबर्डेंटली प्रेजेंट इन द ग्रास हर्बीवोर्स जो है वो हमें मैक्मम जो है ग्रास लैंडस के अंदर जो है वो मिलते हैं हर्बी बोर्स हमारे पास दे आर इन्वर्टिब्रेट हर्बीवोर्स इन्वर्टिब्रेट हर्बीवोर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं तो डोमिनेट जो हम कर रहे हैं वो इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो हमें ग्रास लैंड्स के अंदर जो है वो मिलते हैं जबकि जो लार्ज हर्बी बोर्स हैं लार्ज हरबी बोर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वो वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास जैसे मैं डियर है जेबरा है जिराफ हैं इवन देन, सम अदर टाइप ऑफ दायसंस हैं और अदर टाइप ऑफ या वाइल्ड बीस जो है वो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज हरबी हरबी आर प्रेजेंट इन द ग्रास लैंडस अच्छा ग्रास लैंडस के तरह अगर आप देखें तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही उनके अंदर स्पेशली ट्रॉपिकल सवाना है तो उसमें जब रेनी सीज़न होता है ग्रासेस ग्रो करती है तो उस वक्त ये एनिमल माइग्रेट करते हैं और जैसे ही ग्रास लैंड के अंदर जो है वो समर uh, सीज़न आता है या ड्राउट का सीज़न आता है तो ग्रासेस ख़त्म हो जाते हैं तो एनिमल दे माइग्रेट टू अदर एरियाज़ अगेन ये दोबारा दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं अच्छा जब एनिमल्स जो है हरबीफोर्स आर देयर तो अल्टीमेटली कार्निवोर्स भी वहाँ मौजूद होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ कार्निवोर्स लाइन्स आर देयर दैन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कार्निवोर्स दैट द दाइनाज आर देयर टाइगर्स आर देयर और इवन अदर आर देयर एंड सम अदर कार्निवोर्स आर आल्सो देयर स्केवेंजर्स आर आल्सो देयर डिफरेंट चूँकि लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवर्स वहाँ मौजूद हैं तो डेड बॉडीज़ जब होंगी तो उनके लिए स्केवेंचर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केवेंचर जो है वो बर्ड्स आर आल्सो देयर सो हेर इन पिक्टोरियल अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास जो टॉप के ऊपर अगर हम देखें तो ये प्रेरीज हैं प्रेरीज के अंदर तो आप देख रहे हैं कि हमें किसी तरह का कोई ट्री जो है वो नजर नहीं आ रहा है तो ये नॉर्थ अमेरिकन ग्रास लैंड को रिप्रेजेंट करता है या फिर यूरेशियन जो है वो ग्रास लैंड को रिप्रेजेंट करता है कि हमें ग्रासेज के अलावा कोई ट्रीज जो है वो नज़र नहीं आते हैं अच्छा नीचे एक हमारे पास जो वो ये जो पिक्चर है ये इंडिकेट कर रही है ट्रॉपिकल सवाना को रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ ट्रीज भी मौजूद हैं जबकि इसके अलावा लार्ज हरबीवोर्स आर अबंडेंट देयर जैसे एलिफेंट्स हैं राइनोज आर देयर जिराफ इज देयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर कारो देयर वट इज़ द लोकेशन ऑफ ग्रास लैंडस ग्रास लैंड की अगर हम बात करें देर आर प्रजेंट इन ऑल डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स एक्सेप्ट इंटार्कटिका इंटार्कटिका के अलावा तमाम जितने भी कॉन्टिनेट्स हैं उनके ऊपर हमें ग्रास लैंड जो है वो मिलती है सो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर इनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं जैसे अगर हम देखें तो ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रास लैंड हैं उनको ग्रेट प्लेन्स कहा जाता है जिसको हम टिपिकली पेडिस का नाम देते हैं इससे साउथ अमेरिका के अंदर इनको पम्पास का नाम दिया जाता है अर्जेंटीना का पम्पास जहाँ वेरी फेमस हैं ठीक है ये वही एरिया जहाँ जहाँ वो डारबन ने भी काम किया था इससे साउथ अमेरिका के अंदर इनको वेल्ट का नाम दिया जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर स्टेपज इन सेंट्रल यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के अंदर इसको स्टेपिज कहा जाता है जो कि डिफरेंट एरियाज जो है उसके अंदर मौजूद होंगे सिमिलरली हम ग्रास लैंड और आल्सो द दस्ट्रेलिया विच सराउंड द डेजर्ट लैंड्स तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि ज्यादा डेजर्ट है तो डेजर्ट के साइड्स के ऊपर कुछ एरियाज हैं जहाँ हमारे पास जो वो ग्रास लैंड एग्जिस्ट करती हैं मैप के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट वन द सवाना एंड द अगर हम देखें तो सवाना का हमारे पास ये ग्रास लैंड जो है इसको अगर हम देखें तो दीज आर प्रेजेंट इन द अफ्रीका अफ्रीका के अंदर ये हमारे पास मौजूद हैं इसी तरह से हमारे पास यह वो जो है वो ग्रास लैंड जो है प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया दे आर प्रेजेंट इन द एशिया एशिया के अंदर यूरोप और एशिया के इलाकों के अंदर मौजूद हैं सिमिलरली साउथ अमेरिका के अंदर हमारे पास ये मौजूद हैं ग्रास लैंड्स की अगर हम बात करें जो टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं डेरप एन नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड एशिया यूरोप एशिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अगर हम देखें तो ये टेम्परेट ग्रास लैंड जो है वो मौजूद हैं अच्छा टेम्परेट ग्रास लैंड वो है जहाँ टेम्परेचर लो है जबकि सवाना जो है वो एक ऐसा प्रोपोर्शन है जिसके अंदर ग्रास लैंड के जो है वो जिसके अंदर रेनी इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉडरेट हैं और साथ साथ जो है रेनफॉल की जो प्रेसिपटेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है रेनी सीजन है जिसकी वजह से वहाँ कुछ ट्रीज़ जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं सो द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रास सो अगर हम स्टूडेंट्स ह्यूमन इम्पैक्ट देखें ग्रास के ऊपर तो डिफरेंट इसके जो है वो एस्पेक्ट्स हैं द वन इज़ द ग्लोबल वार्मिंग तो कंटिन्यूस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्रास लैंडस हैं विच आरसोर विच आर ऑलरेडी हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ वाटर दे आर कन्वर्ट बींग कन्वर्टेड इन टू द डेजर्ट्स तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यह आस्ता जो वो डाइजर्टिफिकेशन की तरफ जो बढ़ रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका इम्पेक्ट है ह्यूमन का दैट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रास लैंड फ़ॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज़ कि ह्यूमन ने जो ग्रास लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से ग्रास लैंड होते हैं वो वर्ल्ड वाइड क्या हो रही हैं काम हो रहे हैं सो so, अब इसका एक और इम्पैक्ट भी है कि जैसे जो अफ्रीका के अंदर ग्रास लैंडस हैं कुछ जिसके अंदर जो है वो प्लान्स को सपोर्ट करने की साहितियत बहुत कम है तो जब उसको फॉर एग्रीकल्चर प्रकटिस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो अट्टीमेटली द ग्रास लैंड दे आर कन्वर्टेड इन टू द डेजर्ट तो वो डेजर्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो तो एक बायोम दूसरे बायोम में कन्वर्ट हो रहा है द थर्ड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन ग्रास लैंड इज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड इंटू द अर्बन एरियाज तो अर्बन डेवलपमेंट, शहर जो है वो बसाए जाते हैं तो इससे क्या होगा कि ग्रास के ऊपर जब अर्बन डेवलपमेंट होगी तो अल्टीमेटली दे आर रिड्यूस्ड